वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पड़ रही है फूट। हाथापाई पर उतारू हो रहे प्लेयर, वीडियो वायरल। सरेआम प्रैक्टिस के दौरान आपस में भिड़े बाबर इमाद, कैमरे में कैद हुआ हैरान कर देने वाला मंजर। वीडियो देख बाबर आजम के फैंस हुए आग बबूला। जून 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है और इस मेगा इवेंट के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को तेज भी कर दिया है। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप के लिए कई देशों ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि कई टीमें जल्दी अपने दल का ऐलान कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तान के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उस खबर के मुताबिक टीम के खिलाड़ियों के बीच आपसी कलह बढ़ चुकी है, बात हाथापाई तक पहुंच गई है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है और इस सीरीज के लिए सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस सीरीज के पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फिटनेस कैंप का आयोजन किया था और सभी खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑर्गेनाइज किए जा रहे इस कैंप से पहले एक फुटेज तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच लड़ाई को दिखाया गया है। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जिन खिलाड़ियों के बीच लड़ाई का वीडियो तेजी के साथ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, वो खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि टीम के कप्तान बाबर आजम और लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अभी भी रिलेशंस सुधरे नहीं हैं। इसी वजह से दोनों के बीच मतभेद के ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इमाद वसीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम को मिली करारी हार का जिम्मेदार कप्तान बाबर आजम को ठहराया था। एक तरफ जहां T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सभी देश अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि बोर्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए उसी टीम का ऐलान करेगा जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए किया है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हुई है। इन दोनों की कप्तान बाबर आजम से कुछ समय पहले तक खास दोस्ती नहीं थी। दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 से कुछ वक्त पहले दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का फैसला वापस लिया और पाकिस्तानी स्क्वाड में शिरकत की। पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो सामने आया जिसमें ऐसा लग रहा है कि कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच थोड़ी नोकझोंक हो रही है। ये वीडियो कितना सही है कितना गलत इसकी पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि इसको अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में कप्तान बाबर और इमाद किसी बात को लेकर बहस करते देखे जा सकते हैं। कुछ समय पहले ही इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बाबर आजम से कोई तकलीफ नहीं है। इमाद वसीम ने इंटरव्यू में कहा था, हमारा बाबर आजम से कोई इशू नहीं है, वो टीम का कप्तान है और हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है बाबर आजम को इसलिए फिर से कप्तान बनाया गया क्योंकि वो हमें वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाएगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेला गया था, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद पाकिस्तान टीम जब स्वदेश लौटी तो बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। शान मसूद को पाकिस्तान का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया था, जबकि शाहीन अफरीदी को नया T20 कप्तान अपॉइंट किया गया था। एक बार फिर से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को सौंप दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।